तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक फंक्शन एक प्रॉब्लम। मिस्टर रमेश के साथ है और इनकी एक प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ए इस एक कॉलम में किसी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसा तो किया है, डेटा वैलिडेशन हमने क्या किया है, स्पेस को हमने कर दिया है। अगर आप यहाँ डेटा वैलिडेशन में हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है काउंट इफ का और स्टार में हमने दे दिया हुआ है स्पेस, इसका मतलब कि अब इस कॉलम में आप कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, स्पेस एंट्री नहीं कर सकते। चाहिए पूरी की पूरी कोई भी किसी भी तरह का स्पेस स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इंटरनेट की मदद लेनी पड़ेगी। सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, मैं कर चुका हूं आपका, आपके यहां से मुझे मोबाइल दिखा रहा है इसलिए आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक। वीवी फंक्शन लिस्ट में हम आते हैं और इसमें हम जो है हमारे पास कैर का एसी का फॉर्मूला पे जाते हैं। मुझे चाहिए स्काई वैल्यू का लिस्ट, मैं देखना चाहता हूं कि स्काई टेबल पे स्पेशल कैरेक्टर का सीक्वेंस क्या है। तो स्पेशल कैरेक्टर सीक्वेंस है आपका यहां से स्पेस है 32 से नहीं 40 से, माफ कीजिएगा 32 ही है हाँ, डेसिमल नंबर ना हाँ 32। तो मैं एक से ही ले लेता हूं, एक से लेके नंबर चाहिए आपको ना सर 40 से। हाँ सर 47 आपका हो गया, उसके बाद 58 से लेके 64 ये नंबर्स नहीं होने चाहिए। जी सर क्या जी, तो इसके लिए हम इस वीवीए का फॉर्मूला चलिए बनाते हैं। विजुअल बेसिक सॉर्ट करते हैं मॉड्यूल्स फंक्शन, एक फॉर्मूला ही बना देते हैं फंक्शन फाइन स्पेशल करेक्टर। डिम आर एज ए डिम आई इक्वल टू चले 1 2 कितना लेन लेन में एन जितना होगा उतना चलेगा है ना। जी सर। और फिर इसमें एक और लूप लगेगा कि 4 जे इक्वल टू चले 1 2 कहां तक चले 1 से लेके 64 तक। लेकिन इसमें हमें स्किप क्या करना है, हमें स्किप करना है 48 से 57 स्किप कर, ठीक है 48 से 57 yes. तो यहां पर हम कंडीशन देते हैं greater than equal to यहां पर लेस देना होगा j इज
लेस देन होना चाहिए 48 और जे जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 57 ना 57 दो बच्चे करवाएंगे सिर्फ यहां पे हम फाइल का इन एस टी आर का फॉर्मूला लगाएंगे स्पेस सी सी इक्वल टू इन एस टी आर क्या ढूंढना है हमें तो सी एच आर में हमने बोल दिया जे को इसमें किससे वन कॉमा एन कॉमा सी एच आर ये फंक्शन में लगा दिया क्या करेगा एक एक करेक्टर को कन्वर्ट चेक करेगा उसके ऊपर सी के ऊपर फिर स्टोर करेगा नंबर अगर वो मिलता है तो और इसके बाद फिर यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ C is greater than 0, then FSC equal to true. और इसका रिटर्न टाइप एज ए बुलियन कर देता हूं ताकि ट्रू फॉल्स आएगा और अंदर से जब मुझे रिजल्ट मिल चुका है तो फिर हम यहीं पे कर देंगे एग्जिट फंक्शन एक बार ट्राई करते हैं इस फंक्शन को फंक्शन इसको हमने लिया फॉल्स आ रहा है फॉल्स आया अब इसमें हम लिख दे एक स्पेशल कैरेक्टर देते हैं तो एंट्री नहीं ले रहा था लेकिन देखिए ट्रू हो गया था ना ट्रू हो गया था मतलब काम एक कर रहा है मैं यहां पर लगा देता हूं मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दिया ट्रू है मैं फॉल्स आ गया अब इसमें मान लीजिए मैं एट द रेट लास्ट में दे देता हूं ट्रू आ गया मैं एट द रेट नहीं मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ भी ट्रू आ गया यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पे डैश दे देता हूँ फिर भी ट्रू आ गया ठीक है सर अब इसी फंक्शन को मैं इस कॉलम में जाता हूं डेटा वैलिडेशन के अंदर कस्टम मेरे से काउंट इफ लगाया था उसी काउंट मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल एफ एफ एस सी स्पेशल करेक्टर ब्रैकेट ओपन और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और हमने बोला कि इक्वल टू ए फॉल्स होना चाहिए ठीक है And okay. FSC था ना फॉर्मूला FSC सही तो है ओ बीवी फंक्शंस जो है एक मिनट की फंक्शंस लिस्ट में नहीं है क्या अब एक प्रॉब्लम आ गई कि वीवी डिफाइन फंक्शंस इसमें एक्सेप्ट नहीं होते हैं
नेमलेस कैन नॉट बी फाउंड बिहेवियर. अच्छा, इसके लिए हम एक काम और करते हैं, हम यहाँ फॉर्मूला में जाते हैं, डिफाइन नेम, और यहाँ पे एस एस कर देते हैं नाम. उसके बाद मैं आता हूं यहां पे, कस्टम इक्वल एफ एफ कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने वैलिडेशन को पेस्ट कर दिया. अब देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट करता है. ले लिया नंबर, ले लिया है. C3 C2 J3 F F C C2 J3. फंक्शन तो तैयार हो गया, बट हमारा डेटा वैलिडेशन को ट्रिगर नहीं कर रहा है, और हम बिहेवियर इवेंट के जरिए तो इसको करा सकते हैं. समझ गए? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बिहेवियर इवेंट में फिर आपका फाइल हैंग होने लगेगा. एक काम हम कर सकते हैं कि हम इसको नीचे तक ले लेते हैं, और इसमें जो हमने डेटा वैलिडेशन दिया है, जिसमें हम एफ एफ इक्वल टू फॉल्स नहीं करते हैं, हम यहां यहां इसको लेते हैं और बोलते हैं कि ए इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए, और कॉपी हम नीचे तक इसको पेस्ट कर देते हैं. एक तरीका और अपना के दिखा देखा है हमने. Test special validation. ठीक है, तो एक कॉलम की मदद आपको लेनी पड़ेगी. मैं जी ले रहा है. जी सर. पर एक इसमें दिक्कत ये है कि एक कॉलम मदद, क्योंकि डेटा वैलिडेशन जो है वो आपके बिल्ड आपके यूजर डिफाइंड फॉर्मूला होता है, आपके खुद के बनाए हुए फॉर्मूले को ट्रिगर नहीं कर रहा है. जी सर. इसके लिए हमने क्या किया, उस फॉर्मूले को हमने किसी और सेल पे लगा दिया और वहां से इसको कॉल कर लिया. इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा सर. जी सर. एक और है कि हम यहाँ पे एंटर इसमें इवेंट बैंकों में जाके हम कर दे, लेकिन क्या हुआ कि छोटे मोटे से ठीक है, लेकिन क्या हुआ हर एक एंट्री को चेक करेगा कि सेल में आपने क्या एंट्री किया. दिक्कत करेगा, बहुत दिक्कत करेगा, हैंग होने लगता है और आपका डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं. इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ. इसको ट्राई कीजिएगा, इससे नहीं होगा तो एंड लास्ट सॉफ्टवेयर को भी यूज करेंगे. जी जी सर. ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू.